हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंटेड कुर्ते के दो नेक डिजाइन्स बनाना बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से हम इन नेक डिजाइन्स को बना लेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम कुर्ती को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर के लिए निशान लगाएंगे। और ये देखिए कपड़े का राइट साइड है और ये बैक साइड है, तो कपड़े की जो सीधी वाली साइड है उस तरफ हमें निशान बनाने हैं अपने डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सारे पार्ट्स बिल्कुल बराबर करते हुए हम इसके सेंटर में बीचों बीच में देखिए इस तरीके से निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से डिज़ाइन की लंबाई के निशान लगाएंगे, तो ऊपर से देखिए हम 13 इंच लंबाई पर बिल्कुल सीधा निशान बना लेंगे और इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को और लंबा बना सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने डिज़ाइन की चौड़ाई के निशान लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए एक साइड से मैं इसे 4 इंच इस तरह से निशान लगाऊंगी, तो एक साइड से हम इसे 4 इंच बढ़ाकर यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे और दूसरी वाली साइड की तरफ भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि पूरी जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 8 इंच की रखेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब इसके अंदर देखिए एक साइड से हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान बनाएंगे, ऊपर से हम देखिए 1.5 इंच की दूरी पर दोनों साइड्स पर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम सेंटर वाली लाइन पर निशान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हम ऊपर से पहले 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच के निशान के बाद हम 1.5 इंच की दूरी पर पूरे में निशान बना लेंगे। देखिए ये सारे निशान हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम तिरछा करते हुए इन निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे, तो देखिए स्केल रखते हुए मैं ऊपर वाला निशान छोड़ते हुए जो हमने सेंटर में लगाया है सेंटर वाली लाइन से देखिए इस तरीके से ऊपर से मिला देंगे। और अब दूसरी वाली साइड की तरफ भी हम देखिए इस तरीके से तिरछा करते हुए सेंटर वाला पॉइंट एक ही रखेंगे और जो साइड वाला पॉइंट है वो हम ऊपर करते हुए मिलाएंगे। तो आपको एक टेढ़ी लाइन बनानी है यहाँ पर, इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। अब ऐसे ही हम नीचे करते हुए सारे लाइंस को एक दूसरे से मिला लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक तिरछा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए जो हमारा बीच वाला निशान था वो पूरे नीचे तक जो हमने 13 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक नहीं आ पाया है, तो हम यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इसके साइड साइड्स में हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम तिरछी लाइनें बना लेंगे। 1.5 इंच का डिस्टेंस ही आपको ऊपर से रखना है और दोनों साइड्स पर हम इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेंगे, तो ये वाला स्पेस भी हमारा भरा हुआ सा नज़र आएगा। तो देखिए जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रेडी होगा। और अब इन लाइंस पर हम कुछ लेस लगाएंगे, तो बीच में जो हमने डिज़ाइन बनाया है वहाँ पर देखिए हम ये पतली लेस लगा रहे हैं और साइड्स में हम ये पॉम्पम वाली लेस लगाएंगे। और ये बहुत ही आसानी से आपको ईजिली किसी भी लेस शॉप पर मिल जाएगी और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अराउंड 10 से 15 रुपये मीटर मिलेगी। तो अब ये जो हमने बीच में लाइंस बनाई हैं उसके ऊपर हम पहले पतली वाली जो हमारी लेस है इस तरीके से रखते हुए लगाएंगे। लेस के बिल्कुल बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है और देखिए यहाँ से आपको काटनी नहीं है, लेस से हम इस तरीके से मोड़ते हुए दूसरी साइड की तरफ लेस लगाएंगे और देखिए बिल्कुल निशक हम लगा लेंगे इसी तरीके से। और अब दूसरी वाली लाइन में भी ऐसे ही हम लेस को लगा लेंगे और देखिए बीच में से आपको लेस को कट नहीं करना है, यहाँ से आपको लेस को इस तरीके से घुमा लेना है। ये देखिए हमने पूरे में इस लेस को लगा लिया है। अब हम साइड में पॉम्पम्स लेस लगाएंगे जिससे कि हमारे पैटर्न में बिल्कुल फिनिश लुक आएगा। तो अब कोने से देखिए इस तरीके से रखेंगे लेस को और चारों साइड पर तीनों साइड पर स्टिच कर देंगे। पूरे में
देखिए पोटली लेस को भी हमने लगा लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। अब जैसे कि हम नॉर्मल अपना नेक बनाते हैं, यहाँ पर हम अपना गला बना लेंगे। और देखिए गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले ली है। इसकी चौड़ाई देखिए हमने यहाँ पर 8 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 8.5 इंच रखी है। अब इसको हम बीच में से कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई हम 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं, लंबाई हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम लंबाई के निशान बना लेंगे। अब इन लाइन्स को हम सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से करीब 4 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और देखिए यहाँ से हम अपने नेक की गोलाई करेंगे इस तरीके से। और नीचे से देखिए हल्का से यहाँ पर आपको तिरछा करना है और यहाँ पर हम एक कट देंगे, पतला सा हम कट देंगे, इसलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लिया है। अब बुकरम की 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम पूरे में ऐसे ही निशान बना लेंगे और अब इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा नेक है वो कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो गले को कपड़े के ऊपर रखते हुए हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो गला है वो कपड़े के साथ स्टिच हो जाए। और पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब इस नेक को हम कुर्ती के ऊपर लगाएंगे जो अभी हमने पैटर्न बनाकर रेडी किया है उसी के ऊपर। तो देखिए इस तरह से नेक को रखेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आपको मिला के रखना है। और अब बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें कोने पर डोरी लगानी है जो कि हमने पहले ही डोरी बना के रख ली है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बुकरम के बिल्कुल बीचों बीच में, कपड़े के और बुकरम के बीचों बीच में आपको इस तरह से रखनी है। और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगाते हुए हम इसको पक्का करके दूसरी साइड की तरफ भी ऐसे ही डोरी लगा लेंगे और साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अब बीच के एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग देंगे। करीब 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम कट कर रहे हैं और बीच में देखो कोई कपड़ा कट नहीं करना, केवल यहाँ पर कट देंगे बीच में। और देखिए आप साइड साइड्स में भी छोटे छोटे कट्स देते हुए हम इतना कट देना है आपको कि आपने जो भी सिलाई लगाई है वो ना कट हो जाए। तो देखिए पूरे में लगाने के बाद अब इस नेक को हम उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और डोरी अच्छे से हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी डोरी लगेगी दोनों साइड्स पर। तो अब इस तरीके से देखिए पूरे में नेक को अंदर की साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। छोटी बखिया करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने पूरा नेक इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है और बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग्स देख सकते हैं। कहीं से भी हमारी डोरी वगैरह नहीं दिख रही है, बहुत ही फिनिशिंग से हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अब देखिए जो हमारी डोरी है इसमें हमें लटकन लगानी है। तो ये जो हमने पॉम्पम वाली लेस लगाई थी इन्हीं में से हम कुछ पॉम्पम्स को कट कर लेंगे और अपनी डोरी के बिल्कुल एंड पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सुई में पॉम्पम को लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से डोरी पर स्टिच करेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड की तरफ भी दूसरे पॉम पॉम को लगाएंगे। और यहाँ पर एक डोरी में हम 3 पॉम पॉम का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह से एक लटकन टाइप बना लेंगे जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल लुक देता है। आपकी कॉटन कुर्ती के लिए बेस्ट रहेंगे इस तरह के लटकन आप बना सकते हैं बहुत ही ईजीली, जो कि जस्ट आपको पॉम पॉम लेस से बनाने हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरी डोरी में इसको लगा लिया है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी डोरी में भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों डोरियों में हमने ये लटकन को लगा लिया है पॉम पॉम्स को। इस तरह से दिख रहा है हमारा पूरा डिज़ाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट डिज़ाइन। ये डिज़ाइन भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए इस डिज़ाइन के लिए भी हमने यहाँ पर पहले से ही नेक बना लिया है, जैसे कि हमने अपने पहले वाली कुर्ती में बनाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने नेक बना लिया है।
तो अगर आपकी कोई पुरानी कुर्ती है और आप उसे न्यू लुक देना चाहते हैं तो आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे एंकर थ्रेड से, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइप के डिज़ाइन, और प्रिंटेड कुर्ता के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं अगर आप इससे बनाते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम एंकर थ्रेड को सुई में डाल लेंगे। अब कि इस वाली साइड से हम अपने डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा फ्रंट बैक का पार्टीशन है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बीचों बीच में से डिजाइन को बनाएंगे और ऊपर की साइड पर धागा निकाल लेंगे। अब देखिए, धागे को आगे वाली साइड की तरफ यहां पर निकालेंगे हम। अभी गांठ लगाने के बाद यहां पर हम आधे इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की साइड से सुई निकालेंगे, और ये जो हमारा धागा है इसको हम सुई के ऊपर कर लेंगे, और यहां पर से आपको इस तरीके से सुई निकालनी है। अब देखिए, ये जो हमने दो टाके लगाए हैं इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक मार्कर लेंगे और मार्कर से यहाँ पर निशान बना लेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा डिजाइन है वो बिल्कुल एक बराबर बनेगा। अब ऐसे ही हम अपना दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे, और जो हमने निशान लगाए हैं देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस डिजाइन को पूरा बनाना है। और अब जो हमारा धागा है वो सुई के ऊपर कर लीजिए और सुई को ऊपर की तरफ निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका एक जाल जैसा डिजाइन बनता हुआ आएगा। अब ऐसे ही आपको पूरे नेक पर बनाना है डिजाइन को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एंकर थ्रेड के साथ हमारा ये वाला नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम बेसिक सा और बहुत ही यूनिक लग रहा है। अगर आप कॉलेज गोएंगे, ऑफिस गोएंगे, तो आप इस तरह का डिज़ाइन खुद अपनी कुर्ती पे बना सकती हैं। आप चाहें तो इसकी बाजू में या फिर साइड स्लिट्स में, पूरे में इसी तरीके से बनाकर इसको कंप्लीट कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको नेक पर बनाकर दिखाया है, बहुत ईजी था ना ये वाला डिज़ाइन। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे। और देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे दोनों नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए, और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा डिज़ाइन लग रहा है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक क्यों किया आप लोगों ने, तो प्लीज़ चेक कीजिए। उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इजीली से चेक कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़।